ऐसा है कि अभी हमने शंकराचार्य पार्क में अभी गया वालों का एक बैठक यहाँ बुलाए थे, अभी आपात एक बैठक बुलाए थे, ताकि पितृपक्ष मेला में जो जिला प्रशासन के द्वारा जो निर्णय लिया गया है कि पितृपक्ष मेला इस बार नहीं होगा, इसी के संबंध बुलाए थे। लेकिन पितृपक्ष मेला ये जो है, ये लगभग हम लोग पितृपक्ष मेला नहीं, 6 महीना से हम लोग बिल्कुल लॉकडाउन का पालन करते हुए कोई भी यात्री 6 महीना से नहीं आ रहा है। अच्छे महीने से नहीं अगर आ रहा है तो 6 महीने से हम गयावाल जो है किसी न किसी तरह से अपने जीवन यापन चला रहे हैं। लेकिन अगर ये आने वाले समय में पितृपक्ष मेला में जिला प्रशासन से वार्ता प्रबंध करने समिति के लोगों ने जो किया है वो संतोषजनक नहीं है, इसको संतोषजनक हम नहीं मानते हैं। इसलिए कि अगर कुछ यात्री अपने निजी वाहन से आना चाहता है तो उस पर अगर ये रोक लगाते हैं तो ये बड़ा दुर्भाग्य होगा और उसके साथ साथ गया वालों के लिए बहुत बड़ी क्षति होगी। क्षति इस मामले में होगा कि 15 दिन पितृपक्ष मेला के आधार के ऊपर में ये सालों साल जो है वो जीवन यापन चलाते हैं। यहाँ पर पंडा के अलावा भी यहाँ पर दुकानदार भी जो है वो भी उसी पितृपक्ष मेले के आशा पर निर्भर करता है। हमारा एक दो तीन से हमारा एक मांग था कि जिला प्रशासन इस बात पर जो आने वाला है तीर्थयात्री है उसको शिविर लगाकर और रास्ते में उसको स्कैनिंग करें, स्कैनिंग करके उसको देखें कि अगर फीवर है, बुखार है तो उसको वो अगर किट के माध्यम से चेक कराए या तो मेडिकल के माध्यम से उसको चेक करवा लें कोरोना है तो वैसे यहाँ से उसको वापस कर दिया जाए। जो बिल्कुल स्वच्छ है, कोई तरह की बीमारी नहीं है और वैसे व्यक्तियों को यहाँ आने से अगर रोका जाता है तो यह गलत है, क्योंकि अभी इलाहाबाद भी खुला हुआ है। इलाहाबाद में आप जाकर गंगा जी का स्नान कर सकते हैं। यहाँ अगर फल्गु को कोई स्नान करने के लिए अगर लोग आ रहा है तीर्थयात्री और उसको आप रास्ते से ही वापस कर दीजिए और चले जाइए, जो 800-1000 किलोमीटर आकर और डोभी आ गया और गया आ गया उसको आप वापस कर दीजिए तो यह ठीक नहीं है। यह हम गया वालों के हित में भी नहीं है, अब जिला प्रशासन के भी अहित होगा। ये कितना परिवार प्रभावित, ये लगभग हम लोग 500 घर यहाँ पर हैं गया वाल, और 500 घर गया वाल नहीं, यहाँ उसके साथ साथ कम से कम 500 लोग पंडित ब्राह्मण का भी घर है यहाँ पर, जो इन व्यक्तियों को इतनी स्थिति आज के समय में खराब हो चुका है। प्रशासन के माध्यम, सरकार के माध्यम से कोई तरह का निर्णय नहीं लिया गया है कि यहाँ गया वालों को कैसे वो भोजन चला रहा है। मंदिर है 6 महीने से बंद है, दर्शनार्थी कोई आ नहीं रहा है, ना कोई चढ़ावा चढ़ रहा है, जो मंदिर से जो जीवन यापन चलाते हैं वो कैसे चला पाएंगे ये इस पर कोई चिंता करने की तैयार नहीं है। और DM साहब और SP साहब इस बात को कहते हैं कि पितृपक्ष मेला नहीं होने देंगे, अगर होता है तो इसकी जिम्मेदारी हम नहीं लेंगे, तो ऐसी बात कह के और बिल्कुल दम भाग जाना यह सही नहीं होगा। यह हम बिल्कुल इस बात को हम गयावाल से भी, गयावाल बिल्कुल आश्वस्त है कि अगर प्रशासन से कोई तरह के समझौता बनता है तो समझौता बनाया जाए, और समझौता बनाने के बाद अगर पिंडदान करने वाले यात्री थोड़ा बहुत, हमें ये नहीं लगता है 5 से 10% यात्री अपने वाहन से आने के लिए यहाँ इच्छुक हैं, जो अपने वाहन से आने वाले जो इच्छुक हैं उनको यहाँ सुविधा दिया जाए और उनको यहाँ पिंडदान करने का दिया। मनी बारिक, हम गयावाल तीर्थ सुधारी सभा के महामंत्री, फूलमाला बेचते हैं हम लोग। अच्छा, काफ़ी दिनों से मंदिर बंद है, अब सरकार ने निर्णय लिया है कि पितृपक्ष मेला भी इस बार नहीं होगा, तो कितना आप लोग प्रभावित होंगे इससे और अभी क्या स्थिति है आप लोग के बिजनेस का? पहले से प्रभावित तो है ही, और इस मेला स्थगित हो जाने से हम लोगों का साल भर का इससे व्यवस्था चलता था। इसमें सभी लोग, जितने तरह के ब्राह्मण हैं, दुकानदार भाई हैं, सभी लोग इससे विचलित हैं, परेशान हैं हम लोग कि कैसे जीविकोपार्जन चलेगा। स्थगित करने से पहले सरकार को, नीतीश सरकार जी को चाहिए था कि कुछ न कुछ पहले व्यवस्था किया जाए, उसके पास बाद मंदिर को स्थगित किया जाए। और स्थगित हो गया है तो हम लोग चिंतित हैं कि कैसे आगे का व्यवस्था, हम लोग खाना पीना भोजन कैसे करेंगे। और सभी लोग इससे करीब करीब 1 से 2 लाख आदमी इस मंदिर से सबका चूल्हा जुड़ता है, अभी सभी का चूल्हा बंद है, कुछ व्यवस्था नहीं है, न सरकार सोच रही है, न यहाँ स्थानीय पुलिस अधिकारी। अभी कैसे जीविका चल रहा है आप लोग? अभी हम लोग कर्जा मुहाम लेकर किसी से मांग चांग कर अपना घर का व्यवस्था कर रहे हैं, यही हम लोग का अभी स्थिति है। हम लोग नीचे सरकार जी से मांग करते हैं कि हम लोगों को कुछ व्यवस्था करें, जो भी हम लोग यहाँ पे हैं, दुकानदार, ब्राह्मण समाज, भंडा समाज, सभी के बारे में कुछ सरकार सोचे, नीचे